हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और एनिमल्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को किसी जगह पे रहने के लिए कैसे अडेप्ट करते हैं, यानी कैसे किसी जगह के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को वहाँ रहने के लिए ढाल लेते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक वेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आप याद कर सकते हैं कि हिल स्टेशन पर जाने से पहले आपसे कौन कौन सी चीज़ों को पैक करने के लिए कहा गया था? वेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। जब जो स्काई क्लाउडी होता है यानी कि बादल छाए होते हैं, तब आपके पेरेंट्स आपको अम्ब्रेला कैरी करने के लिए कहते हैं। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? आपने अपने एल्डर्स को सुना होगा स्टूडेंट्स कि फैमिली फंक्शन प्लान करने से पहले वो आपस में डिस्कस करते हैं कि जिस दिन फैमिली फंक्शन होना है उस दिन पे क्या वेदर हो सकता है, क्योंकि अगर वेदर खराब होगा या बारिश हो जाएगी तो फैमिली फंक्शन में दिक्कत भी आ सकती है। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब आप मैच देखते हैं, आप टीवी पर जब मैच देखते हैं, तो मैच स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेदर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, यानी कि मैच के दौरान मौसम कैसा रह सकता है, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, या कितनी गर्मी रहेगी, ये सब वो डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि वेदर के बारे में इतना डिस्कशन क्यों होता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वेदर का गेम पर गहरा असर होता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। हमारे जीवन पर भी वेदर का गहरा असर होता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स पर एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि अगले दिन का वेदर कैसा रहने वाला है। इसे हम कहते हैं वेदर प्रेडिक्ट करना, यानी वेदर के बारे में पूर्वानुमान लगाना या वेदर की भविष्यवाणी करना। तो हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हम प्लान करते हैं वो इसी पे डिपेंड करती है कि वेदर के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया गया है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। यानी कि वेदर के लिए डेली रिपोर्ट्स आती हैं टेलीविजन पे, रेडियो पे और न्यूज़पेपर में। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? क्या आप जानते हैं कि ये वेदर होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ दियर हैबिटेट। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्होंने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से खुद को एडेप्ट कैसे कर लिया है, यानी खुद को एडजस्ट कैसे कर लिया है। अब हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। फिगर 7.1 में हमें एक वेदर रिपोर्ट दिखाई गई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वेदर रिपोर्ट हमें दी गई है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, उस दिन का सनसेट कितने बजे होगा, अगले दिन सनराइज कितने बजे होगा, ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रखी है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप आज वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो उसमें पिछले 24 घंटे के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में भी बताया जाता है, और उस दिन के बारे में जिस दिन आप ये वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं उस दिन के वेदर के बारे में भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि उस दिन वेदर कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर।
ह्यूमिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मॉइस्चर को समझना होगा। मॉइस्चर का मतलब होता है हवा में पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा में पानी के पार्टिकल्स की जो प्रेजेंस होती है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है यानी कि वाटर के पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जब हवा में, तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जब हवा में मॉइस्चर कम होता है यानी हवा में पानी के पार्टिकल्स की प्रेजेंस कम होती है, तब हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कम है। अब हम एक्टिविटी 7.1 देखेंगे। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से आप वेदर रिपोर्ट्स को कट कर लीजिए। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। और अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने नेबर से या अपने फ्रेंड से न्यूज़पेपर लेकर उसमें से वेदर रिपोर्ट को कट करके अपनी नोटबुक में चिपका सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। इसके अलावा आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। यानी कि जो वेदर रिपोर्ट्स आप कट करेंगे उन्हें आप वाइट शीट पे या चार्ट पेपर पे पेस्ट कर लीजिए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाई यू इन टेबल 7.1। यहाँ हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो वेदर रिपोर्ट्स आपने कलेक्ट की हैं वो सारी इंफॉर्मेशन अब आपको टेबल 7.1 में फिल करनी है। देखिए यहाँ पर ये टेबल 7.1 हमें गिवन है जिसमें कि यहाँ पर हमें डेट बताई गई है कि डेट लिखनी है। ये जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि 23 अगस्त 2006 को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था वो आपने यहाँ लिखना है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ लिखना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी जो कि परसेंटेज में होती है ये यहाँ लिखेंगे, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ये भी परसेंटेज में होती है यहाँ लिखेंगे, रेनफॉल अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो मत लिखिए। देखिए यहाँ पर यही कहा गया है द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल। जो फर्स्ट रो में हमें डाटा दिया गया है टेबल में वो सिर्फ एक सैंपल है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। हमें सभी कॉलम्स को फिल करना है उस टेबल में जो आपने डाटा इकट्ठा किया था वेदर रिपोर्ट से उसके अकॉर्डिंग। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। यहाँ हमसे ये पूछा गया स्टूडेंट्स क्या 7 डेज में हर रोज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक समान रहती है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक जैसी रहती है। अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि लगातार हर दिन एक जैसा टेम्परेचर या एक जैसी ह्यूमिडिटी या एक जैसी रेनफॉल नहीं होती है। टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहता है, ह्यूमिडिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है और रेनफॉल भी कभी होती है कभी नहीं होती है। मान लीजिए कि मई या जून का महीना है दिल्ली में, तो यहाँ पर गर्मियों का टाइम है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर रोज टेम्परेचर 48 डिग्री ही रहेगा। किसी दिन टेम्परेचर 48 डिग्री होगा तो किसी दिन 46 भी हो सकता है, किसी दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो किसी दिन कम भी हो सकती है, किसी दिन बारिश हो भी सकती है किसी दिन नहीं भी हो सकती। यानी कि ये जो चीज़ें हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और इसके अलावा हम विंड स्पीड को भी इसमें चेक कर सकते हैं, किसी दिन विंड स्पीड ज़्यादा होती है किसी दिन विंड स्पीड कम होती है। तो टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी का कम या ज़्यादा होना, रेनफॉल का कम या ज़्यादा होना या विंड स्पीड का कम या ज़्यादा होना, इसी को हम वेदर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 2 दिनों का टेम्परेचर आपको एक जैसा भी मिल सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डेली टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है। यही यहाँ पर लिखा गया। देखिए हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लगातार 2 दिनों का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब सेम हो जाए। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन ऊपर नीचे होता है। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। यानी अगर आप एक हफ्ते का डाटा इकट्ठा करते हैं वेदर का, तो उसमें आपको अच्छा खासा चेंज नजर आ सकता है कि कभी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, कभी टेम्परेचर नीचे जा रहा है, कभी आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कभी ह्यूमिडिटी कम है, या कभी रेनफॉल है या कभी रेनफॉल नहीं है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर,
humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो डे टू डे कंडीशन होती है वहाँ के एटमॉस्फेयर के विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड के अकॉर्डिंग इसी को हम वहाँ का वेदर कहते हैं. यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी दिन पर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है या विंड स्पीड कितनी है, इसी को वहाँ का वेदर कहा जाता है. जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आज उस जगह पे बारिश हो रही है लेकिन बहुत गर्मियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन आज के दिन बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि वेदर कैसा है? आप कहेंगे आज का वेदर रेनी है. अगर वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे आज टेम्परेचर बहुत हाई है. यानी वेदर कैसा हुआ? हाई टेम्परेचर वाला वेदर हुआ. या अगर उस दिन पे आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आप कहेंगे आज का वेदर कैसा है? आप कहेंगे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला वेदर है. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेनफॉल या विंड स्पीड, यही वेदर के एलिमेंट्स होते हैं. यानी इन्हीं से वेदर बनता है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन्हीं सब चीज़ों से वेदर बनता है. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. यानी कि जो किसी जगह का वेदर होता है वो हर रोज़ भी बदलता रहता है और हर हफ्ते भी बदलता रहता है. इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि मान लीजिए कि आज बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आप कहेंगे कि आज का वेदर कैसा है? आज हाई टेम्परेचर वाला वेदर है. और अगले दिन बारिश हो जाती है तो अगले दिन आप क्या कहेंगे कैसा वेदर है? आप कहेंगे कि अगले दिन रेनी वेदर है. इसका मतलब एक दिन जो वेदर है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है तो अगले दिन वो वेदर रेनी भी हो सकता है. दैट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वॉर्म लास्ट वीक. इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज का वेदर बहुत ह्यूमिड है या पिछले हफ्ते जो वेदर था वो बहुत गर्म था. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है स्टूडेंट्स. यानी कि बहुत कम समय में वेदर चेंज हो जाता है. तो वेदर के बारे में हम आसानी से जज नहीं कर सकते हैं. वेदर अचानक बदल जाता है, वेदर कभी भी बदल सकता है. इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली. ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि सुबह के समय तेज धूप निकली हो पर अचानक से क्लाउड्स आ जाए यानी बादल छा जाए और तेज बारिश होने लगे. तो हम कह सकते हैं कि अचानक से वेदर बदल गया. Or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. ऐसा भी हो सकता है कि तेज बारिश हो रही हो और अचानक बारिश रुक जाए और उसके बाद तेज धूप निकल आए, तब भी हम कहेंगे कि अचानक से वेदर बदल गया. You must have had several such experiences. अभी जो examples हमने शेयर किए, आपने भी ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया होगा, आपने भी ये चीजें होती हुई देखी होंगी. Try to recall any such experience एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. यानी कि अगर कभी आपने अचानक से वेदर चेंज होते हुए देखा है तो आपको ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट. वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स. हम नहीं बता सकते कि वेदर कब अचानक से बदल जाता है. तो वेदर के बारे में प्रिडिक्ट करना यानी कि उसके बारे में भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता है. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. Figure 7.2. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टेबल में हमें शिलोंग जो कि मेघालय में है, शिलोंग का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक. और यहाँ पर इसी डेटा को इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है. देखिए 3 अगस्त 2006 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो कितना था, 26.0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर देखिए 3 अगस्त को टेम्परेचर कितना दिखाया गया है, 26 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही 4 अगस्त 2006 को टेम्परेचर था 23.5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ देखिए 4 अगस्त को टेम्परेचर दिखाया गया है 23.5 डिग्री सेल्सियस.
ऐसे ही 5 अगस्त को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तो 5 अगस्त को यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है ग्राफ में। 6 अगस्त को टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, तो 6 अगस्त को टेम्परेचर दिखाया गया है 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 7 अगस्त को टेम्परेचर है 25.5 डिग्री सेल्सियस, तो ग्राफ में भी 7 अगस्त को देखिए टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25.5 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। 8 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर था 23.3 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर देखिए 8 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर 23.3 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। 9 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर था 24.4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में 9 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। यानी टेबल में हमें जो ये डाटा गिवन है इसी को यहाँ पर ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. आप कोई भी वेदर रिपोर्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स नजर आते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। चैप्टर 4 में हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं उन्हें हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप जानते हैं कि दिन के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स जनरली वो आफ्टरनून दोपहर के समय होता है, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जनरली वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय हमें इतनी परेशानी क्यों होती है जबकि सुबह के समय हमें कंफर्टेबल लगता है यानी कि अच्छा लगता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जबकि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के समय टेम्परेचर कम होता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? अब हम सनराइज और सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्रे। यानी कि आप ये जानते हैं कि विंटर्स में यानी सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और आपको खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर? क्या विंटर्स में यानी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं समर यानी गर्मियों के कंपैरिजन में? तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि गर्मियों के दिनों में सनराइज भी जल्दी हो जाता है यानी कि सूरज सुबह जल्दी निकल आता है और सनसेट भी देर से होता है यानी कि सूरज डूबता भी देर से है, तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। जबकि विंटर्स यानी सर्दियों में सनराइज भी लेट होता है यानी कि सूरज सुबह देर से निकलता है और सनसेट भी जल्दी हो जाता है यानी सूरज डूबता भी जल्दी है, तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लाइमेट के बारे में। मेटियोरोलॉजिस्ट्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेटियोरोलॉजिस्ट्स होते हैं यानी जो मौसम विभाग के जो लोग होते हैं वो हर रोज वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो मेटियोरोलॉजिस्ट्स होते हैं ये वेदर के रिकॉर्ड्स को बहुत समय तक संभाल के रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि पास्ट सेवरल डेकेड्स के जो वेदर के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी संभाल के रखा जाता है। एक डेकेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10 ईयर्स यानी कि 10 साल। एक डेकेड में अगर 10 साल होते हैं और अगर 2 या 3 डेकेड के वेदर रिकॉर्ड संभाल के रखे जाते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ 25 या 30 साल की बात कर रहे हैं।
दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी जगह के वेदर रिकॉर्ड्स को 25-30 साल तक संभाल कर रखते हैं, तो इससे उस जगह के वेदर पैटर्न को समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। दी एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 ईयर्स, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी जगह का जो पिछले लगभग 25 साल का जो वेदर पैटर्न होता है, उसे वहाँ का क्लाइमेट कहा जाता है। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। यानी कि अगर किसी जगह पे साल के ज्यादातर समय टेम्परेचर हाई रहता है, तो हम कहेंगे उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। और इसके बाद हमसे कहा गया है, इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। और अगर उसी जगह पर साल के ज्यादातर समय बारिश भी होती रहती है, तो अब हम क्या कहेंगे कि उस प्लेस का, उस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है और वेट है। हम ऐसा इसलिए कहेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि उस जगह पे साल के ज्यादातर समय में टेम्परेचर भी हाई रहता है और बारिशें भी ज्यादा होती है, तो वहां का क्लाइमेट हॉट भी होगा और वेट भी होगा। वेट यानी के रेनी क्लाइमेट। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लाइमेट को समझाते हैं स्टूडेंट्स, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हमें किसी जगह के क्लाइमेट के बारे में पता है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। हम यहाँ पर दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दिल्ली में मार्च, अप्रैल, मई, जून में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बहुत गर्मी होती है। और हम ये भी बता सकते हैं कि दिल्ली में जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिशें होती है, यानी कि रेन का समय होता है। और दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दियों का समय होता है, यानी कि विंटर सीजन होता है। अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले लगभग 25-30 साल का अगर आप पैटर्न चेक करें, जो वेदर पैटर्न है दिल्ली का, वो ऐसा ही रहता है। तो अगर आपको किसी जगह के क्लाइमेट के बारे में पता है, यानी लगभग पिछले 25-30 साल के वेदर पैटर्न के बारे में पता है, तो आप उस साल में उस जगह पर कैसा जो वेदर रहेगा, उसका आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है, इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेसेस इन इंडिया। यानी कि टेबल 7.2 और टेबल 7.3 में इंडिया की दो जगहों की क्लाइमेटिक कंडीशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस टेबल में श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर की क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ बताई गई है। और इस टेबल में थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है, थिरुवनंतपुरम की क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, मंथ गिवन है, उसके अलावा मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस गिवन है। मीन टेम्परेचर किस किस चीज़ का गिवन है, डेली मिनिमम का और डेली मैक्सिमम का। उसके अलावा हमें मीन टोटल रेनफॉल भी यहाँ बताई गई है मिलीमीटर में। उसके बाद हमसे कहा गया है, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स। यानी कि किसी भी मंथ का जो मीन टेम्परेचर निकाला जाता है, वो दो स्टेप्स में निकाला जाता है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। यानी कि एक मंथ के दौरान जितना भी टेम्परेचर रहा हर दिन के हिसाब से, उन सब का एवरेज निकाला जाता है। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको पिछले 25 साल का जनवरी का मीन टेम्परेचर चाहिए किसी प्लेस का, तो आप सबसे पहले तो इस साल का जो जनवरी का एवरेज टेम्परेचर होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पिछले 25 सालों में हर साल जनवरी का जो एवरेज टेम्परेचर था वो भी ले लेंगे, और 25 साल का जो ये एवरेज टेम्परेचर है, हर साल जो जनवरी का एवरेज टेम्परेचर आ रहा है, आप उसकी एक साथ एवरेज निकाल लेंगे 25 साल की। इससे आपको जनवरी के मंथ में किसी जगह पर कितना टेम्परेचर रहता है, आपको उसकी मीन वैल्यू यानी मीन टेम्परेचर पता चल जाएगा। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, और इससे आपको मीन टेम्परेचर पता चल जाता है।
The two places are श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड थिरुवनंतपुरम इन केरला। अब यहाँ पर हमें दो जगहों के बारे में क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक श्रीनगर की जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और एक थिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है। अब हम इन दोनों टेबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, श्रीनगर में जनवरी के महीने में जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो -2.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है जनवरी के महीने में श्रीनगर में वो 4.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और श्रीनगर में जनवरी के महीने में जो रेनफॉल होती है वो लगभग 57 मिलीमीटर के आसपास होती है। और अगर आप यहाँ थिरुवनंतपुरम का डाटा देखेंगे यहाँ पर, तो जनवरी के महीने में जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो लगभग 22.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है जनवरी में थिरुवनंतपुरम में वो लगभग 31.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और जो रेनफॉल होती है जनवरी के महीने में थिरुवनंतपुरम में वो होती है लगभग 23 मिलीमीटर। तो ये जो वैल्यूज आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पिछले लगभग 25 साल के हिसाब से जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। ऐसे ही आप बाकी के मंथ्स में भी यहाँ पर इस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है या मैक्सिमम टेम्परेचर है श्रीनगर का वो थिरुवनंतपुरम के मुकाबले कम है, जबकि जो रेन है वो थिरुवनंतपुरम में ज्यादा होती है। साल के ज्यादातर हिस्से में यहाँ पर रेन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? श्रीनगर के कंपैरिजन में। इसके बाद हमें दिया गया है बाय लुकिंग एट टेबल्स 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। यानी कि टेबल 7.2 और टेबल 7.3 को देखकर हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का और केरला का उसमें कितना डिफरेंस है। इसके बाद हमें कहा गया है वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम इजीली देख सकते हैं कि जो केरला है केरला का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, क्योंकि केरला में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती है साल के ज्यादातर समय में। किसके कंपैरिजन में? जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेटरी हॉट एंड वेट है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। इसके बाद हमें कहा गया है सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया के वेस्टर्न रीजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की, तो हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान में साल के ज्यादातर समय जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। लेकिन विंटर्स के दौरान यानी कि सर्दियों के दौरान जो कि बहुत कम समय के लिए आती है, इस दौरान राजस्थान का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन साल के ज्यादातर समय राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो हाई ही बना रहता है। इसके अलावा देखिए क्या दिया गया है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। ये क्लाइमेट जो राजस्थान में हम चेक कर सकते हैं ये डेजर्ट क्लाइमेट होता है, यानी रेगिस्तानी क्लाइमेट, ये हॉट और ड्राई होता है। इसके बाद हमें दिया गया है द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में साल के ज्यादातर समय बारिश होती रहती है। देयर फोर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसका क्लाइमेट कैसा होता है? वेट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।